तो दोस्तों फाइनली अभी आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को जो कंटिन्यू यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है लगभग 300 किलोमीटर में। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखिए यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो ये देख सकते हैं, ठीक है आपको दिख रहा होगा, तो ऑलमोस्ट ये 300 किलोमीटर जो है कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे जो 300 किलोमीटर का जो रिव्यू है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। लगातार हमने जो है गाड़ी को ड्राइव करी है और आपको पता है ऑल्टो का VXI प्लस वेरिएंट है जो कि टॉप वेरिएंट है। अब ऐसे में जब भी गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल बजट सेगमेंट में आती है, बट ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फाइनली इसको हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर कंटिन्यू जो है ड्राइव कर लिया गाड़ी को, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इस गाड़ी को जो है ड्राइव करते करते जो अभी भी हम ड्राइव कर ही रहे हैं 296 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है अभी आप देख सकते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए हर जगह थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि सर्वाइव, मतलब जैसे ट्रैफिक होता है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी आपको रिस्पॉन्स करती है। भाई ट्रैफिक में मैं पिछले टाइम से जो है गाड़ी को जब हम चल रहे थे, मतलब पिछले में भी कई सारे ट्रैफिक मिले थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है गाड़ी जो है आराम से इजीली जो है रुकी हुई थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। और मार्केट में इजीली आप जो है कहीं भी आपको जगह मिलती है तो भाई ठीक है आप निकाल सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा बड़ी गाड़ी रहती है तो एक थोड़ा ये रहता है कि हाँ मतलब थोड़ा आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है, और कहें तो तब भी ये गाड़ी और गाड़ी से कंपेरिजन में ठीक है। भाई आपको नॉर्मल भाई बजट भी देख के चलना है ना, बजट भी तो ठीक है कम है, कम बजट में मिल जाता है। अब बड़ी गाड़ी लेंगे जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डिज़ायर वगैरह, अगर ये सामने वाली गाड़ी डिज़ायर है जैसे, अगर आप ऐसी गाड़ियाँ लेंगे तो कॉस्ट भी महंगी है और भाई थोड़ा कह सकते हैं ट्रैफिक में भी थोड़ा आपको रिस्पॉन्स मतलब कम करेगी, क्योंकि भाई जब गाड़ी बड़ी है तो डेफिनेटली आपको कह सकते हैं कि थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। तो बाकी ये है, और कहीं ना कहीं जो है गियर सिस्टम की हम बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स भी कई सारे मिलते हैं आपको। टच पैनल मिल जाता है, फीचर्स की मैं बात करूँ तो ABS CVD मिल जाता है, ठीक है कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। और फिलहाल जो है गाड़ी का एक्सपीरियंस जो है अच्छा ही निकल के आता है, ठीक है। गाड़ी को लंबा ड्राइव कर लेते हैं तब भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो भाई अगर आप कभी सोच रहे हैं कि हाँ ये वाली गाड़ी हम ले या फिर नहीं ले, तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो सबसे पहली चीज़ तो मेन आप ये लेके चलें कि बजट सही है और कम बजट में आपको एक सफिशेंट गाड़ी मिल जा रही है, मतलब कि सफिशेंट बजट वाली गाड़ी मिल जा रही है। तो ये चीज़ आपके लिए एक ऑफ़र कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है बढ़िया, और कम प्राइस में ठीक है भाई अच्छा एक ऑफ़र मिल जाता है आपको, ठीक है ये चीज़ें। और कहीं ना कहीं भाई आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है और कहीं आराम से भी किसी भी मतलब छोटी जगह पे कहीं भी जगह मिलेगी, थोड़ी सी भी गाड़ी आपकी निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बाकी रोडों पे भी जो है इसके सस्पेंशन वगैरह काफ़ी बढ़िया है, टीम ने भाई इस गाड़ी को पूरी तरीके से अपडेट कर लिया है, सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और दिक्कत आपको नहीं लगेगी। आराम से आप गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो आपको ड्राइविंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा जब आप ऑन हाईवे गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो, ठीक है। सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं और ये चीज़ें होती हैं जो कि आप जो है ले चलते हैं। और ऑनरशिपली अगर आप बात करेंगे तो ऑनरशिपली भी आपको काफ़ी बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है ये चीज़ें होता है। और ये देख सकते हैं पूरी हमारी गाड़ी जो है इस तरीके से, स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं गाड़ी को, आप आराम से 60-70-80 तक ड्राइव करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और इजीली जो है आप अपने जो है डेस्टिनेशन तक आराम से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। और ये है भाई पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया गाड़ी के साथ, आप बताइएगा कि आपको आपके पास कौन सी गाड़ी है, ऑल्टो गाड़ी है कि नहीं है। तो दोस्तों होपली वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।